हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिन से डिमांड आ रही थी कि सर किसी भी तरह से जो हमारा मॉडल पेपर है या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के एक वीडियो बना दीजिए। हम लोग भी वेट कर रहे थे, बहुत सारे काम में घिरे हुए थे और जैसे ही हमें मौका मिला हम लोग अपनी सीरीज़ लेकर के आ गए हैं। यूपी, एमपी, झारखंड और आपका राजस्थान और सीबीएसई, इन पांच बोर्ड्स को हम लोग कवर करेंगे। कक्षा 10 के सारे विषयों के लिए आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और साथ ही आपको मिलेंगे कक्षा 12 के लिए भी इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़, जो विषय मैंने पढ़ाए हैं कम से कम उनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। अच्छा, अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है क्या यूपी बोर्ड, इसका मतलब ये सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए है क्या? तो ध्यान रखो, ध्यान से समझो, जो भी आप लोगों का अभी ऑफिशियल पाठ्यक्रम है, ऑफिशियल पाठ्यक्रम का मतलब समझते हैं आधिकारिक रूप से जो भी आपका पाठ्यक्रम है वो क्या है। आधिकारिक रूप से पाठ्यक्रम में अगर आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं तो यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ठीक एचपी है ये हिमाचल प्रदेश और ये हरियाणा है और आपका साथी में दिल्ली, यहाँ के लोग। इसमें मैंने क्या किया है, राजस्थान को छोड़ दिया है अभी, क्यों? राजस्थान में इकोनॉमिक्स का सीन थोड़ा सा अलग है, बाकी का सीन अलग नहीं है। तो इसी को एक एक करके पूरा देखेंगे, डिटेल में समझेंगे और सारे वीडियोस अपने चैनल पर पड़े हुए हैं, साथ ही में जो वीडियोस नहीं पड़े हुए हैं चैनल पर और रिटन मटेरियल है वो सारा का सारा रिटन मटेरियल आप लोगों के लिए अभी अवेलेबल है। 2100 रुपये में है, जिसमें कम से कम 205 के आसपास वीडियोस हैं जिसमें समष्टि और व्यष्टि को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। बहुत सारे लोग जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पीजीटी एग्जाम है, टीजीटी एग्जाम है और साथ ही में यूपीएससी के लिए अपना बेस तैयार कर रहे होते हैं इकोनॉमिक्स का, उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हैं। वो सब कुछ आपको इकोनॉमिक्स में पूरा जो पैकेज है उसमें मिल जाता है, साथ ही में रिटन मटेरियल मिलता है जिसमें आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स मिलते हैं और साथ ही आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो गांव में रहते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं जिनके लिए कोचिंग, ट्यूशन, अच्छे स्कूल जा पाना मुश्किल होता है और बाहर रहने का खर्चा भी बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ों की दिक्कत नहीं आती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना पहला डिस्कशन हमारे बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के। तो सिर्फ यूपी के लिए नहीं है, मैंने जितने भी बोर्ड्स के नाम लिए उन सारे लोगों के लिए रेलिवेंट है। होता क्या है, 3 घंटे 15 मिनट का आपका एग्जाम रहता है। अब इस 3 घंटे 15 मिनट में जो शुरू के 15 मिनट होते हैं वो दे दिए जाते हैं, आपको कॉपी नहीं दी जाती, आपको कोई क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिया जाता है नॉर्मली, जिससे कि आप क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ लो। अलग अलग बोर्ड्स में थोड़ा सा अलग अलग सीन है, जो अल्टीमेटली आपको 3 घंटे मिलते हैं जिसमें आपको लिख करके आना होता है, तो वो लगभग वो 3 ही घंटे का रहता है। ये 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए मिल जाते हैं। कई लोग घुड़ाया करते थे, इस तरह से ये सारी चीज़ें की गई हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अंतिम प्रश्न जो होता है उसमें 7 नंबर के प्रश्न होते हैं, 7 में से 6 करने होते हैं, ठीक है? तो सारे प्रश्न अनिवार्य हैं, बस अंतिम वाला जो ऑप्शन है उसको छोड़ करके। 1 से 12 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, झारखंड में 40 नंबर का ये आने लगा है, ठीक है? तो बस यही है कि पैटर्न अलग अलग है, आप समझ रहे हैं ना, कहीं पर बहुविकल्पी ज्यादा आ जाएंगे, कहीं पर अति लघुत्तरी ज्यादा आ जाएंगे, कहीं पर लघुत्तरी प्रश्न ज्यादा आ जाएंगे, कहीं पर दीर्घोत्तरी प्रश्न ज्यादा आ जाएंगे, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो सिलेबस है बहुत हद तक कॉमन है, ठीक। जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनका, प्रश्न संख्या 13 से 16 यानी कि 13, 14, 15, 16 4 आपके अति लघुत्तरी प्रश्न हैं, ठीक। तो हम लोग देखिए करते चले जाते हैं, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। 1 से 12 तक एक एक अंक के प्रश्न है, तो कितने अंक हो गए टोटल, 12। 13 से 16 आपके लघुत्तरी हैं, कितने कितने के हैं, 4 अंक के हैं, यानी कि 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16, ठीक। अच्छा, फिर 17 से 22 ये कितने प्रश्न हो गए, ये आपके प्रश्न हो गए 6, ये 5 अंक के हैं, तो ये आपके हो जाएगा 30 अंक का, ठीक है। और उसके बाद से 23 से लेकर के 28 तक ये आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न है, इसी में आपको एक विकल्प भी मिल जाता है कभी कभी। तो ये 23 से 28 आपके 6 प्रश्न अगर आप करोगे 7 अंकों के तो 42 हो जाएगा, 42, 30, 72, 72 में आप 28 जोड़ोगे तो कुल आपका जो है पूर्णांक हो जाएगा 100 अंकों का, ठीक। इसी के हिसाब से करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें स्टार्ट करने के टाइम पर थोड़ा सा ये समझना कि इसमें देखो आपको तुरंत ही उत्तर दिख जाता है, पहले से उत्तर मत देखना, आराम से समझते हुए एक एक करके खुद से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस होती रहेगी, आपको समझ में आएगा कहाँ गलत कर रहे हो कहाँ सही कर रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सी अपूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता की हम लोगों ने बात की थी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की,
फोर्थ चैप्टर में, यहाँ पर क्या सीन है, अपूर्ण प्रतियोगिता की बात की जा रही है। तो वस्तु विभेद होता है क्या? वस्तु विभेद अपूर्ण प्रतियोगिता में निश्चित रूप से होगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी भी तरह की वस्तु में कोई भी अंतर नहीं होता है, सारी की सारी वस्तुएं कैसी होती हैं, आइडेंटिकल हुआ करती थी। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में ये बात तो सही हो गई। बाजार का पूर्ण ज्ञान, ये तो पूर्ण में हुआ करता था, अपूर्ण में नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा, दूसरा क्या है, वितरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कितना आसान प्रश्न है, वस्तुओं के उत्पादन से। तो प्रक्रिया क्या क्या होती है, उत्पादन होता है, ठीक है, उनका फिर वितरण होता है, फिर क्या होता है, उपभोग भी होता है। ठीक, ये फंडामेंटल प्रक्रिया हुआ करती थी, याद है आपको। वितरण किसका होता है, संसाधनों का, संयुक्त उत्पादन के साधनों में बंटवारे से। बंटवारे को क्या बोलते हैं, वितरण ही तो बोलते हैं, बांट देना। ठीक, तो आपका ये उत्तर हो गया। वस्तुओं के उपभोग से, भाई ये तो अलग बात हो गई, वस्तुओं की कीमत निर्धारण से, ये तो मांग और पूर्ति पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक, अच्छा, निम्न में से कौन से कर को किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता? ये प्रश्न थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इनडायरेक्ट लॉजिक लग रहा है। लॉजिक क्या हुआ कर रहा है, लॉजिक होता है कि आपका एक टैक्स होता है डायरेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या हुआ करते हैं, ऐसे कर जो जिस पर लगाए जा रहे हैं उसी से वसूले जा रहे हैं। ठीक, जैसे कि आपका आयकर। अच्छा, दूसरा क्या होता है आपका, बहुत सारे कर हैं, जैसे जीएसटी है। जीएसटी, आपने कुछ भी खरीदा, अभी टूथपेस्ट खरीदा, क्या खरीदा, टूथपेस्ट। अब जो टूथपेस्ट खरीदा उसमें लिखा रहता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, सभी करों सहित। यहाँ पर पैसे आप दे रहे हो, अल्टीमेटली आपके ऊपर लग रहा है, लेकिन जब वसूला गया था तो आपसे नहीं वसूला गया था, जिसने टूथपेस्ट बनाया गया था उससे वसूला गया था। तो अन्य को हस्तांतरित किया गया है ना, जीएसटी को। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कौन से कर को किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, यानी कि प्रत्यक्ष कर की बात की जा रही है। तो उत्पादन शुल्क तो अप्रत्यक्ष कर होता है, व्यापार कर अप्रत्यक्ष होता है, केंद्रीय बिक्री कर अप्रत्यक्ष होता है, आय कर ये प्रत्यक्ष होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही। ठीक, अच्छा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है, सेकंड चैप्टर हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है भाई, जीडीपी, डी मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घरेलू में आप जोड़ा करते थे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध या निवल कारक आय। जब आप इसको जोड़ देते हो तो आपको मिल जाता है GNP। तो क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो आप एकदम खुश हो गए, आप ए ऑप्शन मार करके आ गए और आपका आंसर हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर बाकी ऑप्शंस भी आपने भी नहीं देखे, उनको भी देख लो पहले। क्या लिखा हुआ है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। क्या लिखा हुआ है, प्लस मूल्यह्रास। अब समझ लो क्या होता है मूल्यह्रास, क्या होता है आपको पता है ना, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है, किसी भी इन्वेस्टमेंट में, जैसे मान लीजिए कोई सड़क है वो पुरानी होती जा रही है, तो जो घिसावट की वजह से नुकसान हो रहा होता है उसको हम लोग बोल देते हैं डेप्रिसिएशन या फिर मूल्यह्रास। अब आपका मान लीजिए जीडीपी है, जीडीपी से आप अगर डेप्रिसिएशन को घटा दोगे, डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास, तो आपको क्या मिल जाएगा, जी की जगह एन हो जाता है। क्या हो जाता है, जी की जगह एन। जी मतलब क्या होता है, ग्रॉस यानी कि सकल, और एन मतलब क्या हो जाता है, नेट यानी कि निवल। तो सकल से निवल जाने के लिए क्या करते हैं, वो डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनडीपी हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनएनपी। एनएनपी में आप मूल्यह्रास जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जीएनपी मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि जब जीएनपी में आप मूल्यह्रास को घटा रहे थे तो आपको एनएनपी मिल रहा था। अब वही चीज जो घटाने वाले को जो आप इधर ले जाओगे तो साइन परिवर्तित हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो एनएनपी प्लस मूल्यह्रास तो आपको मिल जाएगा जीएनपी, यानी कि ऑप्शन भी सही है। अब देख लो, अब जो थोड़ा लोग भी दिमाग रखते हैं ना, उन लोगों को कोई भी यहाँ पे समस्या नहीं आएगी। क्यों नहीं समस्या आएगी, उनको ये लगेगा कि यार देखो दो ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते हैं एक साथ, ए पहला भी सही है दूसरा भी सही है। तो अब ध्यान से वो लोग पढ़ेंगे तो उनको लगेगा उपरोक्त सभी, तीसरा नहीं देखोगे तब भी आप डी मार करके आ जाओगे तो समस्या उतनी बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि इसको बोलते हैं हम लोग लॉजिकल अप्रोच होती है क्वेश्चंस की। लेकिन फिर भी तीसरा देख लेते हैं, राष्ट्रीय आय प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। ये क्या हुआ, यहाँ पर आपने क्या किया है, जो टैक्सेस थे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया। सब्सिडीज को हम लोग अनुदान कहते हैं, प्लस मूल्यह्रास। अच्छा, राष्ट्रीय हुआ क्या करती थी, किसी को याद है, ये हुआ करती थी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब साधन लागत पर, साधन लागत में जब आप इसमें NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दिया करते थे और सब्सिडीज को घटा देते थे तो हमें क्या मिल जाता था, तो हमें मिल जाता था NNP ही, किस पर, मार्केट प्राइसेस पर, बाजार कीमतों पर।
और मार्केट प्राइसेस को हम लोग एमपी कई बार नहीं भी लिखते हैं, यानी कि सिर्फ एनएनपी अगर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एनएनपी एमपी की बात की जा रही है। तो अगर एनएनपी एमपी आपको मिल गया यानी कि आप इन दोनों को मिलाकर के कहां पर पहुंच गए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पर पहुंच गए ऑलरेडी, और फिर से आपने मूल्यह्रास को ऐड किया तो फिर से आपको जीएनपी मिल जाएगा। इसका मतलब उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बात समझ में, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही, ये मान लो ये आएगा ही, एक नंबर में आएगा, चार नंबर में आएगा, पांच नंबर में आएगा, सात नंबर में आएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। भारत में नोटों के निर्गमन पर किस बैंक का एकाधिकार है? ये तो बच्चों वाला प्रश्न है भैया, सबको मालूम है। आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं नोट पर के नहीं होते हैं? मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ये इसका ऑप्शन हो गया।